नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज का दिन है 16 दिसंबर 2022 का। तो आज के नई ऊँटी लहसुन के भाव हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं आपसे तीसरी बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि लहसुन को अच्छी तरह से पकने दें, अच्छी पकावट बनाएं, अच्छी तरह से क्वालिटी बनाएं, उसके बाद में मंडी के अंदर लेकर आइएगा। चाहे आप मंडी में 10 से 15 दिन लहसुन को लेट लाएं, लेकिन बढ़िया पका हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ माल मंडी के अंदर लेके आएगा। कच्चा लहसुन आप सभी किसान भाई मंडी के अंदर ना लाए। दोस्तों, वैसे तो आज बढ़िया लहसुन की क्वालिटी हमें देखने को मिली थी। एक दोनों लोट छोटे ही है, लेकिन दोस्तों एक बढ़िया पका हुआ और एक दातरा माल की जो क्वालिटी हमें देखने को मिली, दोनों लोट की स्थिति मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। लेकिन मैं आपसे निवेदन वही करूंगा कि 10 से 15 दिन आराम से लेके आए ऊँटी क्वालिटी को, लेकिन पका हुआ माल लेके आए ताकि आपको अच्छा भाव ऊँटी लहसुन का देखने को मिले। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। एक लोट बिका है दोस्तों 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, और एक जो दातरा माल छोटा लोट था वो बिका है 6,601 रुपए प्रति क्विंटल। दोनों की स्थिति मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। वीडियो में तीसरी बार आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अच्छी तरह से पकने दे अपनी लहसुन को, क्वालिटी को बढ़िया पका हुआ माल मंडी के अंदर लेके आएगा तो आपको बढ़िया भाव देखने को मिलेगा। 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। दोस्तों, आज की एक और क्वालिटी मंडी में आई है जो 9,000 रुपए प्रति क्विंटल मंडी के अंदर बिका है। इसके अंदर माल बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिला है। साइज जरूर छोटी है इसके अंदर, लेकिन माल आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। सबसे बड़ी साइज आपको बता देता हूं दोस्तों, ये इस प्रकार की इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दें, बारीक माल इसके अंदर कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो आपको बता देता हूं। ये इस प्रकार का लोड भी छोटा है। बाकी आपसे मेरा एक और बार निवेदन रहेगा कि आराम से लहसुन को लाइएगा मंडी में, जल्दबाजी ना करें। ये 9,000 रुपये प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है। जो हमारे मिलनसार किसान भाई हैं, जिनका पूरा परिचय और जो लोड छोटे छोटे हैं आज मंडी के अंदर लेके आए हैं, तो क्वालिटी तो माल की आज बढ़िया देखने को मिली है। वैसे कच्चा माल कम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माल को पूरी तरह से पकने दे, उसके बाद में मंडी में लाइएगा। ये भैया कौन से गाँव से दादा? जीवन पाटीदार, गाँव खजूरा सारंग। जीवन जी पाटीदार, गाँव खजूरा सारंग। भैया, ये इस प्रकार का माल बढ़िया क्वालिटी का लेके आए हैं। छोटा जरूर है, लेकिन क्वालिटी माल की तो ठीक देखने को मिली। क्या भाव बिका है दोनों लोट आपके आज? 9,000 बिका है। 9,000 और एक और देख लो आराम से देख लो। 6,601 बिका 6,601। भैया, ये इस प्रकार का माल, इससे बढ़िया साइज का माल, पकी हुई क्वांटिटी में आया हुआ माल कब तक मंडी में लेकर आ सकते हैं? 10 से 15 दिन। और ये जो लहसुन आज मंडी में आए, कितने दिन हो गए इसको? कल ही निकाली थी। हाँ। और लगाए हुए कितने दिन हो गए? लगाए हुए आज 104 दिन हो गए। और कितनी तारीख को लगाया था आपने? 6 अगस्त। हाँ। 6 अगस्त को लगाया। भैया, कितने दिन में बढ़िया माल लेके आ सकते हैं? 10 से 15 दिन में अच्छा से अच्छा माल ले आएंगे। ये आज जो बिका है, इससे आप खुश हैं? हाँ। और किसान भाइयों को किस प्रकार का सजेशन आप देना चाहते हैं कच्चे माल को लेकर, किस प्रकार की स्थिति? जो आप माल ले, माल है तो अभी लेके नहीं आए, इसको अच्छा पकने दे। अच्छा पकने दे, 10 से 15 दिन भी लेट ला सकते हैं। हाँ, ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? जीवन पाटीदार। जीवन जी पाटीदार। ये लोट काफ़ी छोटा है और दातरा टाइप है पूरा, थोड़ा कच्चा भी इसके साथ में मिक्स देखने को मिलता है। ये इस प्रकार की क्वालिटी इसके साथ में आज ही देखने को मिली है। ये दातरा टाइप में आपको बता रहा हूँ, लोट काफ़ी छोटा है दोस्तों, जो आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये इतना ही छोटा है दोस्तों, ये आपको बता रहा हूँ मैं। और ये आज बिकाए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल, ये आप देख सकते हैं 6,601 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली जो क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, ऊँटी का है, दांता टाइप है, कोई कच्चा इक्का दुक्का भी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इससे भी मैं आपको कुछ संकेत देना चाहता हूँ कि आराम से लहसुन को लाइएगा, जल्दबाजी ना करें, कच्चा लहसुन ना उखाड़े। जो आपको बता रहा हूँ, कुछ इक्का दुक्का लोट अब मंडी में आना शुरू हो चुके हैं।